अरे यार, 13 राजपूत हो गए, एक ब्राह्मण को कम करना पड़ेगा। यादवों का बैलेंस भी ना कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है। क्या कर रही हो? ये क्या है? बिहार सरकार बनने की कोशिश। अब सरकार जब जाति के आधार पर जनगणना की बात कर रही है, तो मैं भी अब जाति के हिसाब से ही लोगों को पार्टी में बुलाऊंगी। एकदम परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तो पहले तो ये समझो ना कि जाति जनगणना तो बाद में, पहले तो अपने जब सरकार बनी हो तो अपनी बतवा को कैसे भूल गई तुम? तुम्हें ना कही थी कि जातीयता खत्म करना है, जाति प्रथा ही खत्म कर दो, जाति कोई ऊंच नीच का भेदभाव ही खत्म कर दो। ये मुद्दा उठाने से पहले ये कौन सोचेगा कि वोट भी तो जाति के ही नाम पे मांगे थे? तो फिर ये बतवा कौन सोचेगा कि भैया हो, मान लीजिए जाति खत्म कर दिए, ठीक है, अभी जनगणना को छोड़ दे रहे हैं, जाति वाला जो बतवा कहे थे भाई लोग, एक बार सुनो, कुछ भी कहने से पहले बाबा जय हो, बाबा की जय हो। हाँ, तो जब बतवा कह रहे थे वो वाला कि जातीयता खत्म कर देंगे, तो पहले हम उसी पे रहते हैं। मान लो शर्मा जी की बेटी और वर्मा जी का बेटा, ठीक, करा दिए बियाह, ठीक, बच्चा पैदा हो गया, वर्मा ही हुआ ना वो तो, वर्मा की शर्मा कौन डिसाइड करेगा, शर्मा हुआ ना जी, यही रीत चली आ रही है, वर्मा का बेटा वर्मा होता है, लड़की शर्मा की हो, कहीं और की हो, ब्राह्मण घर की हो, राजपूत हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? अब ये तो मान गए, चलो मान लो मौलवी साहब की लड़की, अब पंडित जी का बेटा, इहो का ब्याह करा दिए, अब उनसे जो बेटा होगा वो क्या लगाएगा? मुद्दा छोड़ दें, यही तो पूरा बवाल खड़ा हो जाता। एक तो पहले आप इंटर कास्ट मैरिज का बात, सॉरी इंटर रिलीजन का बात कैसे कर रहे हैं? जुर्माना नहीं देना है आपको? डर नहीं लगता है कि सरकार से हैं? हम सरकार से बहुत डराते हैं, ये पूरा कांप रहे हैं, लेकिन बतवा तो कहबे करेंगे ना। ये देखिए, जवान हिल रहा है लेकिन कपी हो रही है कि कैसे। पहला बात तो देखिए, हमको ये पता है आप लोग में से कोई मान कैसे लेता है कि सरकार जाति हटा देगी? नहीं, कैसे मान लेते हैं आप, जब हम लोग जानते हैं कि यादव जो है वो RJD का वोट बैंक है, जो कुर्मी लोग हैं वो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक है, बात में मल्लाओं की बात करें तो मुकेश सहनी जी तो सन ऑफ मल्ला है, तो वही तो, और पासवानों के बेटे तो आए हैं चिराग पासवान। जब पूरी राजनीति का आधार ही यहाँ जाती है, आप कैसे जाति को हटा देंगे? सब अच्छा, वही तो हम पूछना चाहते हैं भाई लोग, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या हमरे? कुछ लिखल है थोबड़ा पे, कुछ लिखल है क्या हमरे? कुछ नहीं लिखा है ना, ये तो ये लोग क्या समझते हैं? इनसे नहीं, सरकार से पूछिए कि पूरी जनता के चेहरे पे क्या लिखा है। बिल्कुल, तो हम देखिए जनता को ही संबोधित कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए हम जनता हैं, आप सरकार हो गई, तो बताइए हमरे पे कुछ लिखल है मालिक, हमरे चेहरे पे कुछ लिखल है? एक तरह का बतवा काहे नहीं करते हैं, एक तरफ का बतवा काहे नहीं करते हैं? अरे काहे नहीं करते हैं एक तरह का बतवा, मजाक किए हुए, मतलब हद हाल है। अच्छा चलिए, हम अब जानते ही हम सरकार के समर्थक हैं, जब हम लोग ये कह रहे थे कि जाति हटा देंगे जनगणना से, समझ में आपको कैसे नहीं आया झूठ है? जाति के नाम पे तो हम रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन दिए रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं रिजर्वेशन। हाँ। इस जाति का इतना रिजर्वेशन, उस जाति की इतनी रिजर्वेशन, आपको वही समझ में आ जाना चाहिए हम झूठ बोल रहे हैं। अगर आप फिर भी हम पे भरोसा किए, गलती आपकी। तो क्या करना है, बस नेताजी आए कपड़ा पहन के माला डाल दिए, फिर नेताजी हमको भी एक माला डाल दिए, नेताजी ध्यान रखिएगा इस बात का, हर एक माला जाति के नाम पे तो पहनाते हैं। हाँ, उसके बाद जो थपड़ी बजता है ना रे भाई, जो थपड़िया बजा के स्वागत और वेलकम करते हैं ना हम लोग, हम ही लोग सबसे बड़का बेवकूफ हैं। लेकिन देखिए, यहाँ सरकार के चार बयान है, उन चारों बयान के पीछे हमारी आकांक्षा ही है, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही करते हैं, जाति हटाने की बात करते हैं, जाति के नाम पे जब आरक्षण दिया जाता है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जनरल बेचारे हर चीज में पिस जाते हैं, जनरल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वहां भी हम उस चीज की अवहेलना करते हैं। लेकिन उसके बाद हम अपना नेता अपनी जात के हिसाब से ही चुनते हैं, चाहे वो नेता कोई काम करे या ना करे, हमको उसको क्या, हमको क्या लेने देना, अपने घर का, अपने जात का नाम रोशन करेगा, हम वोट डाल के आ जाते हैं, उसके बाद हम ही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि राजनीति में जातिवाद के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। जब हम ही चार तरीके की बातें करेंगे, सरकार तो हमारी बातें सुन के हमें ही सुनाती है, क्योंकि वोट तो उन्हें हम ही से लेने हैं ना। बताइए अब गलती किसकी? हम बहुत टेंशन में हैं। कब नहीं रहते? नहीं तो रोज रोज लोग टेंशन में देना देता है जी। आज किस बात की है? इसी बात का है, हम तब्बे से यह सोच रहे हैं कि मौलवी साहब की बेटी और पंडित जी का बेटा ब्याह करेगा तो लड़का का जात कौन सा आएगा? वही इतना भयंकर इंटरनेशनल का बात है, आपको इसका जवाब कभी मिलेगा भी नहीं। हम सरकार है, हम आपको उलझाएंगे, हम उलझाते रहेंगे आपको, कभी एक फेंकेंगे अब नीचा क्या है, अब बिहार में जातिवाद नहीं रहेगा। उसके बाद हम ही कहेंगे कि जाति के हिसाब से जनगणना की जानी चाहिए, ताकि हम बेहतर स्कीम्स बना सके। देखो क्या होता उसके बाद चुनाव, नहीं नहीं फिर क्या होगा कि फिर चुनाव आएंगे,
फिर हम जाति के नाम पे वोट मांगने आएंगे और हम सब इतनी ज्यादा समझदार है कि उसी जाति के नाम पर उसी नेता को देखो, फिर से वोट मिला लेंगे। भैया जी लोग चाहते क्या है हम बताएं? बताइए। पहले जाति क्लियर कर लेंगे कि हमारे जाति में कितना वोटर है। सही बात। उस हिसाब से चुनाव का स्वरूप बदलेगा, वही हिसाब से मंच पर भाषण देने का तरीका बदलेगा और वही हिसाब से राजनीति भी होगी। बिल्कुल, उसी हिसाब से एरिया डिसाइड किया जाएगा कि किस एरिया का कौन सा बेटा बनने वाला है, कौन सन ऑफ राजपूत बनेगा, कौन सन ऑफ मल्लाह बनेगा, कौन सन ऑफ यादव और कौन सन ऑफ कुर्मी बनेगा, क्योंकि जाति के जनगणना मिलते ही सरकार के पास हिसाब पहुंच जाएगा कहां पर कितने बेटे हैं। एक सवाल और उठ रहा है भाई जी लोग, आप भी बताइएगा ये क्या मतलब, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे फायदा क्या होने वाला है। बिहार में मुद्दे कम है क्या? अभी समझाए हैं, क्यों नहीं समझते हैं? सरकार आपके लिए काम थोड़ी कर रही है तो हम क्या डमरू लेके नाचे? जातिगत जनगणना अगले चुनाव के पहले वोट बैंक कैसे डिसाइड करना है उसके तो लिए हम ये कर रहे हैं। अभी नहीं समझा 2020 के चुनाव में कितना उतर पुतर हो गया, मुसलमानों के वोट कहीं बट गए, यादवों के वोट कहीं बट गए, कहीं पिछड़ी जातियों के वोट। सरकार को समझना पड़ेगा ना किस एरिया में कौन सी जाति डोमिनेंट है, वहां जाके वहां का बेटा भी तो बनना है, क्या करते हैं। चलिए, हो सकता है कि हमारे इस सब बतवा से बहुत सारे लोग मतलब प्रभावित भी हो रहे होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बहुत सारे निगेटिव जा रहे होंगे, तो प्रभु का नाम ले। लेकिन एक सवाल, जो बिहार के सब जनता लोग, सब भाई लोग, बाबू लोग, चाचा चाची, जितना भी लोग, फिलहाल ई जनगणना जरूरी है, ई बताना जरूरी है कि बिहार में कौन सा जात का कितना संख्या है, कि ई बताना जरूरी है कि बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगी, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी, क्या ये सब मुद्दे कम नहीं है? अरे मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, आजादी को कितने साल हो गए? 70-72 साल हो गए हमें आजाद हुए। आजादी के बाद हर प्रदेश आगे बढ़ गया, बिहार में आज तक हम सड़कों और नालियों से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम क्या बात कैसे नाली से, सड़कों और नालियों के ऊपर उठ के मुद्दों पर बात नहीं कर पाते हैं। चलने के लिए सड़कें नहीं, ऐसे नाले हैं कि आदमी चलते चलते उसमें डूब जाएगा। आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, बेसिक नीड्स नहीं सुधरेगी यहाँ, शिक्षा नहीं सुधरेगी, आप लग्जरी की बात लाएंगे कहां से? मुद्दों की कमी बिहार अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ देखो, बर्फ का एगो सिल्ली लाओ, समझी, उस पर सर पटक ले, नहीं अच्छा, मथवा पे लेके ऐसे 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 आयोडेक्स जैसा रगड़ेंगे ना, तब जाके दिमागवा खुलेगा तो पता चलेगा कि लोग आखिर चाहते का है। अरे एक चीज और बोल लेंगे तो वो वाला डायलॉगवा फिर से याद आ रहा है, खुद को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ रहे हो, कितना नाचाओगे? वह बात है, पब्लिक जो है आप नचाइए, हम नाचेंगे, मुद्रा करेंगे, ऐसे ऐसे हम प्रभु का नाम लेते हैं। अब देखिए, आप बोले बर्फ के पट्टी को सर पे रगड़ने के लिए, ऐसे रगड़ेंगे तो ये भी तो सोचिए, हमारे नेता लोग खुद ही नहीं समझ पाए हैं करना क्या है, बर्फ की वो जो पट्टी हो उनके घर भी भिजवाइए, उनका भी दिमाग खुले, तब ना कंफ्यूजन क्लियर होगा। उनको बिहार के लिए काम करना है, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि काम क्या करना है। सब मिला के 100 बात का एक बात यह है कि विकास को छोड़ के मुद्दा जो है, भैया लोग के घर का मुद्दा है, इतना परेशान है, इतना चिंतित है, और यह मुद्दा जरूरी है कि जात बांट दो, बता दो कि कौन कितना जात में है, ताकि कल को लड़ाई झगड़ा भी हो तो आदमी बोल सके, रहे हमारे पास इतना जात है, हमारे जात में इतना वोटर है, हमारे जात में इतना आदमी है। बात आप फिर कर रहे हैं विकास का भी, अब विकास अभी बोले ना लंदन गया हुआ है, वो जब आएगा तब उसका बात करिएगा। विकास विकास को बीच में ले आते हैं, ठीक है, अब हम लोग को क्या मतलब है? देखिए, अभी हम लोग बोलेंगे, कुछ लोग समर्थन भी करेंगे कि हाँ सही बात है, लेकिन फिर वही लोग तो है ना जो जाएंगे चुनाव में जाति के नाम पे वोट डाल के आ जाएंगे, भूल जाएंगे कि उनका नेता 5 साल कुछ नहीं किया, भूल जाएंगे कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ, जाति हमारा लड़का नाम रोशन करेगा, जाति का नाम ऊपर उठेगा। अरे तो अंत में ये लोग जतवों का तो नहीं होते है ना, दिक्कत ये है ना कि बातें भर करना है, फकर 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 तो बात है, तो आपको इनको समझानी है और इनको समझनी है। हाँ। यही बात तो समझ जाए तो घुमाते रहते हैं नेताजी, नेताजी करते रहते हैं, ये तो पता चले कि हमारे नेताजी जो कहते हैं कि हमारे लिए है, वो हमारे लिए है कि नहीं है, यह बतवा सोचिए ना भाई। एक बात बताइए, जनता को इतने वक्त से घुमाया जा रहा है, चक्कर कब आने शुरू होंगे आपको? हमको आ रहा है। कब होश आएगा आपको? हम घूम रहे हैं, हमको आ रहा है। इनको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, आपसे अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी, आप बताइएगा क्या जरूरी है जाति या विकास? हाँ भैया, आइए बताइएगा कि मौलवी जी का लड़का, पंडित जी का लड़की जब ब्याह करेगा, लड़का होगा तो क्या कहेगा? जय राम जय राम।